मिनी स्टेडियम में सब इंजीनियर के साथ लूट करने वाले पांचों आरोपियों को दबोचने में कांकेर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों को थाने से उनके घर टिकरा पारा तक पैदल ले गए और घर से गुप्ती को जब्त करवाया। पुलिस ने पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कोतवाली थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि 10 मई मंगलवार को सब इंजीनियर उमेश ठाकुर ने लिखित शिकायत की थी कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा नए बस स्टैंड के सामने मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य चल रहा है और रात को पुराने भवन को तोड़ने में निकली सामग्रियों को बॉयज हॉस्टल भेजने का काम चल रहा था। उसी दौरान पांचों आरोपी रात को आकर सब इंजीनियर से बहस करने लगे। सब इंजीनियर ने बताया कि शासकीय कार्य करवा रहा हूं, व्यवधान ना डाले। इसके बाद आरोपी नहीं माने। सब इंजीनियर व वहां पर काम कर रहे अन्य दो मजदूरों के साथ मारपीट की और सब इंजीनियर की सोने की जंजीर, उनके जेब से पैसे व मजदूरों के जेब से पैसे निकाल लिए। आरोपियों में एक युवक गुप्ती नुमा हथियार लेकर डरा रहा था। सब इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने 10 मई को पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दिया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को तलाश करते हुए पहले 4 आरोपियों को दबोचा और उसके बाद 5वें आरोपी को धर दबोचा। पखांजू से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। सर, आज जो मामला है उसको विस्तार से बताएंगे। प्रार्थी सब इंजीनियर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये शासकीय कार्य का निर्माण कर रहे थे रात्रि में, जहां 5 व्यक्ति आकर उनको डरा धमकाकर कार्य में व्यवधान, शासकीय कार्य में व्यवधान कर गुप्ती चाकू दिखा के मारपीट किए और उनका जो सोने का चैन और नकदी रकम 500 रुपये और अन्य जो वर्कर लेबर थे उससे 650 रुपया लूट कर ले गए थे। प्रार्थी सब इंजीनियर उमेश ठाकुर की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। योजना के दौरान आरोपी उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको उनके कब्जे से लूटी गई चैन और नकदी रकम बरामद की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। सर, जुलूस निकाले पुलिस ने? पुलिस को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है आरोपियों को। सर, ये जो इन लोग घटना की, वो कहाँ कहाँ से, कितने कितने रुपए किन के कितने पास से मिला और कौन कौन सा धारा लगा है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। विभिन्न धाराएं लगी हैं इसमें, 186, 353, 294, 506, 395, 398, इसके अतिरिक्त 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इन धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, जो पकड़े गए हैं डकैती के मामले में आरोपी, ये क्या ये पहले से अपराधी प्रवृत्ति के हैं या पहली घटना है? इसमें जो पकड़ा गया राजू और सन्नी एवं बाटी है, उनके कई प्रकरण थाने में दर्ज है, जिनको अभियोजित किया गया है। उनके विरुद्ध विभिन्न समय में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है।